अपना VN ऐप ओपन करना होगा। VN ऐप ओपन करने के बाद आपको प्लस के साइन पर जाना पड़ेगा। प्लस के साइन देख रहे हैं, प्लस पे न्यू प्रोजेक्ट। न्यू प्रोजेक्ट में आपको एक ब्लैक बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। डाउनलोड कर सकते हो आप वो ब्लैक बैकग्राउंड सिंपल, एक उसे ऐड कर लेंगे। इसको हम क्रॉप करेंगे पहले तो रेशियो में, 9:16 वाले रेशियो में क्लिक कर देंगे। मतलब हम यहाँ से इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे, इसको डिलीट कर देंगे। यहाँ से अपनी वीडियो लेंगे, अपन को जो लगानी है आगे वो आप वीडियो ले लेंगे। वीडियो स्लोमो में होना चाहिए। इस वीडियो को ऐड करने के बाद अब यहाँ पे हम ऐड टेक्स्ट करेंगे। ये देखो टी वाला, इस पर क्लिक करेंगे टेक्स्ट पे। यहाँ पे आप टेक्स्ट ले लेना, कुछ भी आपको जो आपको लगाना है वीडियो में, जो सॉन्ग का लिरिक्स होगा कुछ भी है आप यहाँ पे लिख सकते हो। कुछ भी अपना लिरिक्स वगैरह कुछ भी, मैंने ये ऐड कर दिया। मैं रोया रोनी डांस नंबर, यहाँ से आप फोन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर अच्छी अच्छी ये रहेगी, साइज बढ़ा सकते हैं, इससे अपना साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। और यहाँ से वो ये आ गया आपका टेक्स्ट आ गया। ये टेक्स्ट में यहाँ से मोशन भी रखते हैं, मोशन पर क्लिक करने के बाद इन एनिमेशन फेड आपको कैसे लाना है, आपको अपना टेक्स्ट वीडियो के अंदर आउट कैसे करना है, ये आपका तो फेड डाल दिया मैंने इसमें भी करने का। तो यहाँ से हम ये अब इसमें आपको अगर म्यूज़िक भी ऐड करना पड़ेगा तो म्यूज़िक का ऊपर आइकन, यहाँ से म्यूज़िक पे क्लिक करना। यहाँ से आपको म्यूज़िक ले सकते हो, करना का म्यूज़िक नहीं है ये प्लस पे जाने का। यहाँ से आप वीडियो से भी निकाल सकते हैं म्यूज़िक को, म्यूज़िक से वीडियो से म्यूज़िक निकाल सकते हैं। यहाँ पर वीडियो में आएंगे, इस वीडियो को हम सैचुरेशन एडजस्ट फिल्टर पर क्लिक करेंगे, एडजस्ट पर जाएंगे। यहाँ से उसका कंट्रास्ट कौन सैचुरेशन है उसको हम जीरो कर देंगे, 100-100 कर देंगे। करने के बाद ये हमारी वीडियो यहाँ से रेडी हो चुकी है, देख सकते हो हम उसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। ये एक्सपोर्ट होने के बाद फिर अब इसके बाद अपन को एक ट्रिकल ऐप है, ट्रिकल ऐप ओपन करना पड़ेगा। ये एक्सपोर्ट है ना, यहाँ से ये तो एक्सपोर्ट होता रहेगा। एक्सपोर्ट होने के बाद ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से हम ये प्रीक्वल ऐप ओपन करेंगे। प्रीक्वल ऐप प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ये अच्छा ऐप है होती है फिल्टर वगैरह के लिए। प्रीक्वल ऐप ओपन करेंगे, यहाँ से हम ये ओपन हो रहा है, मेरा नेट थोड़ा स्लो है। ये ओपन हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से वो जो अपने वीडियो एक्सपोर्ट करा है वो लेंगे। यहाँ से वीडियो एक्सपोर्ट अपने जो करा था अभी उनका भी ले रहा है अभी। यहाँ से लेने के बाद ये आ चुका है इफेक्ट्स में, डस्ट देख रहे हो डस्ट। हम डस्ट पे क्लिक करेंगे, डस्ट वाले पे इधर हम क्लिक करेंगे, एडजस्ट करेंगे हम समझ लेंगे। फिल्टर पे आएंगे, इसको हम -0 कर देंगे, हम जीरो डिस्क्रिप्शन देख रहे हो इसको भी हम जीरो कर देंगे। यहाँ से हमारा ये काम हो चुका है पूरा। अब हम यहाँ से फिल्टर लगाएंगे, फिल्टर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम फिल्टर देखेंगे जो हमको लगाना है, पिंक वाला जो फिल्टर था, पिंक वाला फिल्टर देखेंगे होगा। आगे कर देंगे मिल जाएगा अभी आगे, देखना हम आपको आगे आगे करते रहना। जैसे करोगे उसका शायद सी करके है, कुछ सी में है वो, सी फिल्टर में देखना, नीचे सी में जाना पड़ेगा। यहाँ तो दिख रहा आगे ही होगा कहीं, ये सी में देखते हैं आगे 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 सॉफ्ट आगे है ये सी मिल जाएगा। ये रहा सी में, ये रहा वो फिल्टर, ये रहा इसमें हम क्लिक करेंगे। ये लग चुका है फिल्टर, आप देख सकते हो लोड ले रहा है, ये लग चुका है, ये देख सकते हो आप। इसको आप 70 रहने तो ठीक रहेगा, 70 पे ही ठीक लगता थोड़ा बहुत, बाकी आप देख सकते हो ये। अब इसी को हम एक्सपोर्ट कर देंगे ऊपर कॉर्नर में से, एक्सपोर्ट करने के लिए ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। इसको एक्सपोर्ट करने के बाद इसका भी एक प्रोसेस और रहता है कि वीडियो यहाँ से तो एक्सपोर्ट हो जाता है, पर अब वहाँ से हमको वीडियो सेव भी करना होता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पर आ गए, यहाँ पे तो हो गया 100%। अब वहाँ से सेव वीडियो भी करना पड़ेगा, सेव वीडियो कर देना, ये आपकी गैलरी में सेव।